हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं, उस देश के लोग ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं लेकिन फुटबॉल के बिना नहीं। एक ऐसा देश जहां पर गन्ने की सबसे ज्यादा उपज है। यहां के लोगों के बीच में डांस और पार्टी करना सबसे कॉमन है। यहां के समुद्री बीच की खूबसूरती देखने लायक है। दोस्तों, यहां की कॉफी दुनिया भर में मशहूर है और ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह भी इसी देश में है। यहाँ के लोगों को आज भी यकीन है कि एलियंस आज भी इस देश की यात्रा पे आते हैं। क्या अब आपको समझ में आया कि आज मैं आपको किस देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ? दोस्तों, यह है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे लास्ट वाला बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। देश की कुल जनसंख्या है लगभग 21 करोड़ के आसपास। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में ये देश छठवें नंबर पे आता है। दोस्तों, ब्राजील के पास कुल लैंड एरिया है 83,58,140 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ आपको 25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे दिख जाएंगे। यहाँ के 88% लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, जबकि 12% लोग ही गाँव में रहते हैं। आपको बता दें, इस देश की औसत उम्र है 34 साल। दोस्तों, ब्राजील एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी सीमा उत्तर में वेनेजुएला, गयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गयाना, दक्षिण में यूरोग्वे, पश्चिम में अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, पेरू और उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से मिलते हैं। वहीं पूर्व में इसकी सीमा दक्षिण अटलांटिक महासागर को छूते हैं। दोस्तों, कई ऐसी चीजें इस देश में है जो कि आपको सरप्राइज कर देंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में आपको चलते चलते ही एनाकोंडा के दर्शन हो जाते हैं? अब समझिए कि जैसे हमारे देश में चलते चलते रोड पे गाय या भैंस आ जाती है, वैसे इस देश में हाईवे पे कई बार आपको एनाकोंडास देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं कि इनकी वजह से कई बार रोड पे जैम भी लग जाता है। क्या आपको पता है कि ब्राजील देश को ट्राइब्स की कंट्री भी कहा जाता है? यहाँ पर कम से कम 70 अनकॉन्ट्रैक्टेड ट्राइब्स हैं। इनमें से ज्यादा ट्राइब्स के लोग यहाँ के सबसे बड़े जंगल यानी कि अमेजन में रहते हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि कई बार इन ट्राइब्स के लोग आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर तक पे हमला कर देते हैं, वो भी तीर धनुष से। आपको बता दें कि ब्राजील नाम की उत्पत्ति पॉज ब्राजील नामक एक लकड़ी के नाम से हुई है। ये पहला उत्पाद था जिसे पुर्तगाली व्यावसायिक रूप से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। यही वजह थी कि यहाँ पर पुर्तगाली व्यवसायी बड़ी संख्या में आया करते थे। आज भी इस लकड़ी की यहाँ बहुत पूछ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का वो कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करता है? जी हाँ, ये ब्राजील है। आपको लगेगा कि इस देश में तो चारों तरफ समुद्र है, उसके बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कैसे हो पाता है? तो आपको बता दूं कि यहाँ पर खेती को लेकर एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इस देश में कई लोग किसी भी काम करने से पहले खेती करना पसंद करते हैं। दोस्तों, न सिर्फ कॉफी के मामले में बल्कि ये देश शुगर केन यानी गन्ने की उपज के मामले में भी टॉप लेवल पे आता है। कहने का मतलब है कि इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना उपजाया जाता है। आज के दिन में ब्राजील कॉफी के साथ गन्ने के मामले में भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ पर गन्ने से बनी कई तरह की चीजें दुनिया भर में सेल की जाती हैं। दोस्तों, ब्राजील में आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत बीचेस देखने को मिलती हैं। ये इतने खूबसूरत होते हैं कि आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। इस देश में लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए, और इसकी वजह भी यहाँ की खूबसूरत बीचेस ही है। साथ ही यहाँ पे बीचेस पर मिलने वाली लोकल ड्रिंक्स और साथ में सी फूड की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड है जहां पर आपको सांप ही सांप देखने को मिलते हैं। इस आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहां पर कम से कम आज के दिन भी 4000 से 5000 की संख्या में सांप रहते हैं। यहां पर कुछ स्पेशल आदमियों के अलावा किसी और का जाना अलाउड नहीं है। कहते हैं कि आज तक जो भी इंसान चुपके से इस आइलैंड पे गए वो मारे गए। अब समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन भी ब्राजील के लोगों का मानना है कि इस दुनिया में कई बार एलियंस आए हैं। यहाँ के लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि एलियंस वास्तविकता में होते हैं। कहते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा जंगल यानी कि अमेज़न, वहाँ पे कई ऐसी जगहें हैं जहाँ एलियंस को धरती पे उतरते हुए देखा गया है। हालांकि दोस्तों, आज तक कभी इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला। ये काल्पनिक कहानियां हैं या असल में इसमें कोई सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। बल्कि आप यकीन कर सकते हैं कि आज के दिन भी ब्राजील की जो पुलिस है वो भैंस का इस्तेमाल करती है कई बार चोरों को पकड़ने के लिए। जी हाँ, ये है इस देश की सच्चाई। पुलिस इतनी एडवांस्ड है, उसके बावजूद भैंस का इस्तेमाल करती है, क्योंकि कई सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से दलदल में बने हैं। ऐसे में यहाँ पर गाड़ी या बाइक को भगाना आसान काम नहीं है। इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ की पुलिस भैंस का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश की राजधानी कहाँ है? कई लोगों को ये पता ही नहीं है। दरअसल ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रियो इस देश की कैपिटल सिटी होगी,
लेकिन ये बात गलत है। आपको बता दें कि इस देश की राजधानी है ब्रसिलिया और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पुराना शहर नहीं है। जी हाँ, अभी ये कुछ दिनों पहले ही बसाया गया है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस शहर को बसाने में केवल 41 महीने लगे थे। आप सोचिए कि कैसे इस देश ने मात्र 41 महीने में ही अपने देश की राजधानी को बनाकर तैयार कर दिया होगा। ऊपर से देखने पर यह शहर हवाई जहाज की आकृति जैसा दिखाई पड़ता है। साओ पाउलो ब्राजील का सबसे अमीर और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी है। यह शहर ट्रैफिक जैम्स के लिए जाना जाता है। 2013 में यहाँ शाम के समय 292 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, अब जो हम आपको फैक्ट बताने वाले हैं, मेरे ख्याल से इसके बारे में छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा। बात यह है कि ये देश फुटबॉल को पागलों की तरह पसंद करने वाले लोगों का है। यहाँ पर हर घर में ही एक फुटबॉल खिलाड़ी आपको मिल जाएगा। अब समझिए कि जैसे हमारे देश में क्रिकेट को लेकर जुनून है, वैसे इस देश में फुटबॉल को लेकर जुनून है। कहते हैं कि इस देश के लोगों को आप फुटबॉल के खेल से दूर रख ही नहीं सकते। यहाँ से पेले, रोनाल्डो और नेमार जैसे खिलाड़ी निकले हैं, जिनका लोहा दुनिया मानते हैं। इस देश ने फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप भी 5 बार जीता है। यहाँ हर शहर में कम से कम एक फुटबॉल स्टेडियम तो है ही। वैसे आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इस देश में है दुनिया के 7 अजूबों में से एक, यानी कि क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैच्यू। ये रियो शहर में है। दोस्तों, यहाँ पर भी हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं इसे देखने के लिए। ये वाकई में अपने आप में ही सबसे अनोखी चीज है। कहते हैं कि स्टैच्यू के साथ आपको यहीं से पूरा का पूरा रियो शहर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ब्राजील देश का सबसे पुराना शहर है साओ विसेंटे। इसे पुर्तगाल के लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया था। इस शहर ने इस देश को एक से बढ़कर एक फुटबॉलर्स दिए हैं, जिनमें से सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम है रोबिन्हो। वैसे तो दोस्तों, साउथ अमेरिका के सभी देशों में स्पेनिश ही बोली जाती है, लेकिन ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की पोर्चुगीज भाषा में संवाद किया जाता है, यानी कि बोली जाती है। इस देश में कई सालों तक पुर्तगाल के लोग रहे थे और उन्होंने यहाँ पर राज किया था, जिसकी वजह से आज भी इस देश में आपको पुर्तगाल की झलक देखने को मिल जाती है। आज भी यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हद तक पुर्तगाल के लोगों से ही मिलता जुलता है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ब्राजील देश के लोगों के बीच में भी सबसे ज्यादा क्रेज फुटबॉल के बाद अगर किसी चीज का है तो वह है म्यूजिक का। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर हर शाम ही आपको बीच पे फुल ऑन पार्टी करते लोग नजर आ जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं होती, बल्कि दोस्तों ये होती है बड़ी पार्टी। यहाँ पर हर समय आपको पार्टी वाली ही फीलिंग आती है, तभी तो यहाँ के लोगों को अच्छा डांसर माना जाता है। फ्रेंड्स, ब्राजील देश बहुत ही खूबसूरत है। समुद्र और पहाड़ इस देश को सबसे अलग बनाते हैं। आपको बता दूं कि ब्राजील में यूनेस्को के 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा रियो डी जेनेरो शहर भी शामिल है। इसके अलावा साल्वाडोर, साओ लुइस जैसी जगहें भी शामिल हैं। कहने का मतलब यह है कि इस देश में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें दिख जाती हैं। यही वजह है कि इस देश में हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। जी हाँ, यही है इस देश की सबसे बड़ी पहचान। दोस्तों, ब्राजील में कुल मिलाकर 4100 एयरपोर्ट्स हैं और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स के मामले में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि इस देश में ट्रांसपोर्टेशन सेवा बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आपको बाय रोड भी कहीं जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज अगर ब्राजील ने अपने देश में बाहरी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है, तो इसके पीछे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी रिवर अमेज़न का ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में है। क्या आपको पता है कि इस देश में ही आपको सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे जीव देखने को मिल जाते हैं, जो कि होते हैं सबसे खतरनाक। कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि अगर इंसान को छू भी दें तो ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये सबसे ज्यादा अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाते हैं, इसीलिए तो दोस्तों कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमयी कंट्री है। यहाँ के अमेज़न जंगल के बारे में किसे नहीं पता। ये दुनिया को कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा देता है। वे दोस्तों, ब्राजील देश में एक ऐसी चीज भी होती है जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकती, और वो ये है कि इस देश में जिस बच्चे को अपनी माँ का दूध नसीब नहीं होता, चाहे जो भी कारण हो, ऐसे में यहाँ की सरकार उस छोटे बच्चे के लिए महिलाओं का दूध उपलब्ध कराती है और उसे बच्चों को पिलाया जाता है। क्या आपने कभी इस तरह की चीज किसी और देश में होती हुई सुनी है? नहीं ना, इस बात पे एक लाइक जरूर हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, कार्निवल ऑफ ब्राजील फेस्टिवल के बारे में किसे नहीं पता होगा। ये धीरे धीरे एक ग्लोबल फेस्टिवल बनता जा रहा है। दोस्तों, इस फेस्टिवल में यहाँ के लोग रोड पे निकलते हैं और फुल ऑन मस्ती करते हैं। लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं और साथ ही फेस मास्क लगाकर डांस परफॉर्मेंसेस देते हैं। जब तक ये फेस्टिवल चलते हैं, तब तक समझिए कि इस देश का माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। तभी तो कहते हैं कि हर किसी को एक बार इस फेस्टिवल में यहाँ का एटमोसफेयर जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। दोस्तों, ब्राजील में दुनिया की कैथोलिक ईसाइयों की सबसे बड़ी संख्या है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत से कैथोलिक धर्म ब्राजील का मुख्य धर्म रहा है। अगर आप ब्राजील देश घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ की करेंसी के बारे में जरूर जानना चाहिए।
आपको बता दें कि यहाँ पर ब्राजीलियन रियल करेंसी का प्रचलन है, जिसकी वैल्यू लगभग 13 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों अब अंत में आपको बता दूं कि ब्राजील के लोगों के बारे में ये दो बातें बहुत ही फेमस हैं। पहला ये कि इस देश के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, यहाँ के लोग बहुत ही भावुक होते हैं। यहाँ पर किसी बात का कौन बुरा मान जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। साथ ही दोस्तों यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। ब्राजील के लोग भी अपने देश के लोगों की तरह ही होते हैं, खुद भूखे सो जाएंगे लेकिन किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। ये नेचर यहाँ के लोगों का सबसे कमाल का होता है। आप इनसे कभी भी किसी भी बात पे मदद मांग लीजिए, ये आपको निराश नहीं करेंगे। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के अंदर मानवता कूट कूट कर भरे हुए है। तो दोस्तों ये था ब्राजील, कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आप कभी ब्राजील गए हैं, और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।